हाँ इधर का व्यू देखो गाइस, इधर एक व्यू पॉइंट है, इधर भी शायद लोग रुकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेशन न्यू ब्लॉग। आज फिर निकल गए मॉर्निंग राइड से, और मॉर्निंग क्या तो 5 बजे निकले, हम निकले थे रात रात को ही, लेकिन कुछ दोस्तों ने देर कर दिया, अभी जा रहे हैं। आज का हमारा डेस्टिनेशन है शिवपुरा, मतलब गाँव गाँव से थोड़ा ऊपर होता है, कैशन के रोड में पड़ता है वो। दिखा पाऊँगा आप लोगों को, इसलिए इस बार ब्लॉग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया था, तो इस वीडियो में भी अच्छे से सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब, और अभी निकलते हैं आगे, देखते हैं हम जितना हम ज़्यादा तेज तो नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे, सब सेफली राइड करेंगे हम, और आगे जाके आप लोगों से आज का हमारा कोई वैसे ज़्यादा खास प्लान नहीं था, कल शाम को प्लान किया तो आज के अभी निकल गए, और सुबह को हम निकले थे लगभग 4 बजे में से निकल गए थे, और सर कुछ लोगों की वजह से देरी हो गया, वो लोग ज़्यादा मतलब देर कर दिया, निकलना तो हमें जल्द से जल्दी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अरे सबके लिए वेट भी करना पड़ता है, तो एक साथ जाने के लिए करने का मज़ा ही अलग होता है ना। जल्दी इसीलिए निकले क्योंकि हमें जाना तो बहुत दूर है, और वो राइड भी सेफ करना चाहते हैं, स्लो राइड करके तेज नहीं चलाएंगे, इसीलिए हम जल्दी निकल गए। सुबह को ट्रैफिक भी नहीं रहेगा ना, थोड़ा कम रहेगा, तो जल्दी पहुँच जाएंगे, जल्द से जल्द दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसीलिए। अभी हमारा एक दोस्त तो आगे निकल गया और एक दोस्त बहुत पीछे रह गया हमारे से, और इस ट्रक को ओवरटेक करना मुझे बहुत ही रिस्की लग रहा है, ये बार बार बाई तरफ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, दोनों तरफ मतलब स्लोप कर रहा है बार बार, इसलिए इसको ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। और गाइस वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो सॉरी, क्योंकि व्हील का सारा है मेरे हेलमेट में, मेरा हेलमेट में ही माइक का तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक तो सब सही है, मैंने दूसरे हेलमेट पर लगा के देखा था माइक सही से काम कर रहा है मेरे सेटअप के साथ, लेकिन मेरे हेलमेट प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे हेलमेट को व्हील ज़्यादा हो रहा है, इसलिए साउंड चालू कर चुका है, बाहर का साउंड ज़्यादा आ रहा है बैकग्राउंड नॉइस, और ऊपर से गाड़ी का भी साउंड ज़्यादा है मेरा एग्जॉस्ट का साउंड, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और बाकी सब तो सही है, वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह को बोलते हैं दार्जिलिंग मोड़, इधर से राइट लेना पड़ेगा हमें, और इधर से शुरू हो जाएगा जो दार्जिलिंग का रोड है वही निकलता है, कार्जियांग दार्जिलिंग वगैरह वगैरह सब यहीं से जाते हैं, पहाड़ का हिल साइड का पूरा हिल साइड इधर से ही निकलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं इस बोर्ड पे, बोर्ड पे आपको दिख जाएगा लिखा है शुभना है तीन दरिया कार्जियांग घूम दार्जिलिंग वगैरह सब इधर से ही जाते हैं। हमारा तो डेस्टिनेशन है शिवपुरा, तो नहीं जा पाएंगे शायद, शिवपुरा बीच तक ही जाएंगे, वहाँ पर जाके फोटोशूट करेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं, मेरे रील्स वगैरह फोटो वगैरह सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लो, तो इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो, स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा होगा, उसी आईडी को जाके फॉलो करो। तो फिर से
ट्रक की वजह से हमें प्रॉब्लम हो गया। देखो ट्रक आगे ही नहीं जाने देता, हम भी चाहते हैं सेफ राइड करना, इसीलिए हम आगे ओवरटेक भी नहीं कर रहे हैं। बार बार एक राइट एक बार लेफ्ट, हम तो देखो रास्ते के एकदम उनके बीचों बीच लेके चल रहा है गाड़ी, ऐसा कैसे चलाता है भाई? ये इंडियन रोड का ही है गाइस, तो कोई भी रूल वगैरह फॉलो नहीं करता ठीक से। दोस्त लोग बहुत पीछे रह गए, वही एक बंदा आया और एक गाड़ी है पीछे, उधर हम लोग चार गाड़ी लेके आए हैं, चारों गाड़ियों में टोटल मेरा गाड़ी तो मैं सोलो राइड कर रहा हूँ और पीछे जो है वो भी सोलो राइड कर रहे हैं, ये दोनों डबल कैरी कर रहे हैं। चार गाड़ी में हम लोग छः जन आए हैं। ये टॉय ट्रेन का लाइन है जो दार्जिलिंग चलता है, सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग जाता है टॉय ट्रेन, उसी का लाइन है। और जब जाते हैं ना दार्जिलिंग ट्रेन में जाने का मज़ा ही अलग है ना, ट्रेन का टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार गया था, सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं, अभी 5:00 बज गए हैं, सब लोग निकल चुके हैं। को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि हिल साइड का रोड है, तो हिल में ज़्यादा स्पीड में चलाना भी नहीं चाहिए। हम जितना मिनिमम स्पीड में मतलब जा सकते नॉर्मल स्पीड में मेंटेन करेंगे, हम अपने नॉर्मल स्पीड में ही हम लोग जाएंगे और पूरा रोड सेफ्टी का ध्यान भी रखेंगे। इधर का व्यू क्या है देख रहे हो, मतलब बाई तरफ फॉरेस्ट, दाई तरफ रेलवे लाइन, बहुत ही मस्त धीरे धीरे जाएंगे। तो बाई तरफ एक नदी था और इधर से रास्ता देखते हैं, इधर से हमें राइट लेना है। अगर बाई तरफ हम निकल जाए लेफ्ट की तरफ तो दार्जिलिंग चला जाता है गाइस, और इधर से हमको सीधा निकलना है, सीधा निकलना है। काशियांग का रोड है, काशियांग रोड, रोहिणी रोड, रोहिणी स्टेशन, रामदास स्टेशन बोलते हैं इस जगह को। ये बहुत बढ़िया प्लेस है, इधर एक मंदिर भी है। ये तो पहले भी आ चुके हैं, घर के सामने ही है ये लोकेशन ना, और इधर ही फोटो खींचेंगे शायद हम लोग, देखते हैं जाके बाइक को यहाँ पे पार्क करते हैं पहले। चलो तो आपसे मिलते हैं आगे। तो हमारा फोटो शूट भी हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं फिर अपनी लोकेशन के लिए, और सब लोग निकल चुके हैं, हम भी जाते हैं। तो अभी हम इधर से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, और व्यू ही कुछ अलग है भाई। इधर रोड साइड पर रुक के फोटो खींचना मालूम नहीं है, बट फोटो खींचने का परमिशन नहीं मिलता इस साइड से। अगर आपको पर्यटन के लोग देख लिया तो आपको फाइन भी हो सकता है, अभी भी हाथी निकल सकता है, और जब तो अक्सर हाथियाँ निकलता है। देखिए पर्यटन में तो गाड़ी चल रहा है, वो लोग इधर हमेशा घूमते रहते हैं कि अगर फोटोशूट वगैरह करेंगे ना, दिखते हैं फोटोशूट करते हुए, तो कम से कम 2000 का फाइन है इधर। मुझे पहले 2000 का ही था, अभी कितना चल रहा है मालूम नहीं। देखिए बात तो शुरू हो ही चुका है, पहाड़ का रास्ता, अभी बहुत सारे राइडर लोग जाएंगे थोड़ी देर। अब तो जो टाइम पे निकल रहे थे वो परफेक्ट टाइम था, और तो हिल साइड है देख सकते हो, रोड के बीच से ये रेल लाइन रोड के बीच से कम स्पीड में जाएंगे, और हॉर्न मारना जरूरी है, बोर्ड लगा हुआ है। देखिए देखिए पहाड़ का जो दिन है भाई, बहुत ही बढ़िया। फिर से रेल लाइन के ऊपर ही डर लगता है गाड़ी स्लिप ना कर जाए, और मेरे गाड़ी का जो टॉर्क है ना, 4 गियर में भी गाड़ी चल रहा है, क्योंकि दूसरा कोई गाड़ी ना 2 गियर से ज़्यादा में नहीं चढ़ सकता, 4 गियर में ही गाड़ी रखा हो, गियर भी डाउन नहीं किया, आगे जाके डाउन कर लेता।
कोई नहीं आया अभी तक, हम सबसे आगे पहुंच गए हैं अभी तक कोई नहीं आया, सबके लिए रुकते हैं थोड़ी देर, सबको मिलते हैं फिर जाते आगे। तो अभी हम एक जगह पे रुके हैं, सब्सक्राइब और इधर का व्यू का मजा ले रहे हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो हम वीडियो वगैरह भी शूट करेंगे, रील्स वगैरह शूट करेंगे, आप लोग इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिएगा और सारे वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रहा होगा। और अभी पहुँच चुके हैं हम, बाजार है, बाजार से राइट लेना पड़ेगा, राइट साइड पे, राइट साइड से ऊपर की तरफ निकलेंगे शिवखोला की तरफ। हमारे वीडियो में एक ही प्रॉब्लम होता है गाइस, साउंड का, और जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी उतना बजट नहीं है कि मेरा हेलमेट का परचेस कर सकूँ। मेरा ये हेलमेट भी बहुत महंगा ही आता है गाइस, स्टील बर्ड का हेलमेट है, ओरिजिनल स्टील बर्ड का, लगभग 4000 का अराउंड प्राइस आता है, लेकिन मैंने एक 100 का हेलमेट पसंद किया था ब्लॉगिंग के लिए, वही सबसे मस्त रहेगा, उसको देखा था। मेरे पास माइक है, कैमरा वगैरह सब कुछ ही है, लेकिन हेलमेट भी है, लेकिन मेरा हेलमेट में जो माइक लगाता हूँ ना, तो इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है और बाहर का नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है। हाँ, इधर का व्यू देखो गाइस, बहुत बढ़िया व्यूज है इधर। ओ भाई, हम वहाँ पे है, वो भी एक पहाड़ी है, और भी आगे जाएंगे और जितना आगे सेफ राइड करेंगे सब लोग। और हमारे देखो सभी दोस्तों ने हेलमेट भी वेयर किया है, तो आप लोग भी जब भी आओ तो हेलमेट जरूर से लगा के आना। और ज़्यादा किलोमीटर का तो पैच नहीं है, 39 किलोमीटर लगभग, 40 किलोमीटर का लगभग, मतलब है 40 किलोमीटर का रोड है, लेकिन हमें टाइम लगभग 1.5 घंटे के साथ टाइम लग गया, 1 घंटे का रास्ता होता है, क्योंकि हम स्लो राइड कर रहे हैं ना, हमें सेफ जाना है, मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो यही बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करना सब्सक्राइब, और आगे और भी वीडियो देखने के लिए सपोर्ट कीजिए। बट की तरफ जाना, तो देखिए ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से शुरू होता है खतरनाक वाला पहाड़ का रोड, और इधर का जो चढ़ाई है गाइस बहुत बड़ा चढ़ाई है, इधर गाड़ी शायद 2 या 3 गियर में चला जाएगा मेरा गाड़ी। अभी जो हिल है भाई, बहुत खतरनाक वाला रोड है, मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन ब्लॉग शूट नहीं किया था, इस बार पहली बार कर रहा हूँ, देखिए पहाड़ों के साइड से लेके मतलब टी गार्डन्स है, और गाड़ी तो मिस पावर, मेरा गाड़ी तो अभी तक मिस पावर नहीं किया, तो पीछे वाला गाड़ी वो बोल रहा है कि उसका मिस पावर कर रहा है गाड़ी, तो 3 गियर में भी अच्छे से निकाल रहे हूँ और वो लोग 2 गियर में है, मतलब बाइक तो 2 ही आया है, गाड़ी का सामने अलग हो जाता है भाई, हिल साइड में पूरा गाड़ी का साउंड ही चेंज हो जाता है, देख रहे हो कितना लीन है, छोटी सी जगह में इतना बड़ा लीन दे दिया भाई, मतलब इधर बहुत रिक्स ही है, मतलब 4 व्हीलर अगर घुस गया ना तो पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है गाइस। भाई देख रहे हो इधर का रोड, चारों तरफ बहुत बढ़िया व्यू है, और आगे तक फिर भी खेत वगैरह शायद लगा हुआ है, खेत है किसी इसका, और आगे तो टी गार्डन है एरिया में, और हम 2-3 गियर में ही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे, 4 गियर में गाड़ी शायद चल ही जाएगा मेरा गाड़ी, लेकिन नहीं जाएंगे उतना तेज़, हमें जाना नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्कूटी वगैरह सब मिस पावर दे रहा है। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर फैसला आज वीडियो में शायद उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है ये रोड जो है ना, ये शिवखोला का रोड एक अलग रूट पे आ जाता है ना रॉकडाउन से, और दार्जिलिंग से भी खतरनाक रोड है, मुझे तो यही लगता है कि दार्जिलिंग में भी इतना खतरनाक तो नहीं था मेरे लिए। और ये एक व्यू पॉइंट है, इधर देखिए टी गार्डन वगैरह है, इधर का व्यू बहुत बढ़िया है भाई, मस्त व्यू है, शायद इधर भी रुकेंगे हम, फोटो शूट करेंगे आते टाइम, अभी जाते जाते तो रुकेंगे नहीं इधर,
पूरा आगे तक चलते हैं जितना तक जाएंगे आगे। अभी भी हमें 7 किलोमीटर और चलना है क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं ना, लेट भी हो गए इसीलिए। कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है और चले जाएंगे जैसे कोई गाड़ी ना आ जाए यही वास्ते। इधर भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं भाई। इधर भी जो लोग रहते हैं वो भी मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं। और इधर का एक व्यू पॉइंट है, इधर भी शायद लोग रुकते हैं फोटोशूट करते हैं इस टाइप से। एक ही बात है, आगे से कोई गाड़ी ना आ जाए, गाड़ी आए तो हॉर्न देख के जरूर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन भाई इधर व्यू तो बहुत बढ़िया भाई, सामने से देखोगे तो ही पता चलेगा ना, कैमरे में उतना अच्छे से दिख नहीं रहा हो। नीचे रोड भी है, कच्चा रोड भी है, और रोड शायद इसी से जाता है, गाड़ी लेके तो उधर नहीं जा सकते, जाएंगे भी नहीं हम, ये रोड जा रहा है एक साइड से। सही है भाई, इधर तो रोड खत्म, पूरा रोड का हालत ख़राब है इधर भाई 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 भाई, इधर डेंजरस रोड है भाई। मतलब इधर काम चल रहा है शायद, इधर बारिश के टाइम पे शायद, अभी बारिश का ही सीजन चल रहा है तो इसीलिए शायद रोड वगैरह ख़राब हो गया था। और इधर ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये रोड बना हुआ, इधर देखिए कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है साइड में गाइस। और इधर पूरा पहाड़ है ऊपर से नीचे तक। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का।